नमस्कार, जय श्री राम। सादर अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं व पाठकों का श्री रामचरितमानस अखंड पाठ की इस कल्याणकारी व सुखप्रद यात्रा के 17वें चरण में। तो शिव धनुष के टूटने पर जो कोप था परशुराम जी के हृदय में, वह शांत हो चुका है। वो अपने आराध्य के भी आराध्य थे, यानी उनके आराध्य थे शिव, और शिव के भी आराध्य श्री राम। तो श्री राम सच्चिदानंद को पहचान चुके हैं। वो उनके वक्षस्थल पर उनके पूर्वज भृगु के पद प्रहार के चिन्ह को भी देख चुके हैं और उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। तो वे शेष झुकाकर प्रणाम कर श्री राम की जय जयकार करते हुए वहां से चले गए। उसके उपरांत विधि पूर्वक विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दशरथ जी भी बारात लेकर पहुंच चुके हैं जनकपुरी, सभी रानियों सहित, भरत शत्रुघ्न सहित। तो आइए चलकर हम भी साक्षी बनते हैं इस अत्यंत भव्य व अलौकिक विवाह उत्सव के, श्री सीता राम के शुभ विवाह के। कनक कलश भरि कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। पल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरषि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भर भर कांवर चले कहारा। अगवानन जब दीख बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित परातिन हने निशाना। हरषि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। तो राजा दशरथ बारात लेकर पहुंच गए हैं जनकपुरी, और उधर बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल घोड़े सजकर बारात को लेने के लिए चल दिए हैं। तो राजा जनक ने भी दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां रत्न, पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले थे। तो अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। तो बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हों। वर्ष सुमन सुर सुंदर गावहि, मुदित देव दुंदु भी बजावहि। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्हि तिन अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बकशीस जाच कन्ही दीन्हा। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूं चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखे धन दुधन मधु परे हरही।
अति सुंदर दीन है उजनवासा, जहाँ तह कहूँ सब भांति सुपासा। जानी से बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगटि जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सिद्धि सब सियाय सुअकने, गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। निज निज बास बिलो के बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करही बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। सकुचल कहि न सकत गुरु माही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा पुर संतोष बिसेखी। हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक पियासे। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंधु महो, चले थाह सी लेत। तो स्वागत में देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। तो राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लेवा ले चले। अब विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था, सब सुविधा थी। तो सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। तो सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां, जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लेकर चली गई। तो बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे, तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका, सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। तो श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में बहुत हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता रहा। तो संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। तो विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में भी संतोष उत्पन्न हुआ। तो प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। तो जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाह सी लेते हुए मिलने चल दिए अपने पुत्रों से और मुनि विश्वामित्र से। विप्र वृंद बंदे दोह भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाए लाए उर रामा। हर्ष लखन देख दो भ्राता,
जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत। राम ही देखी बरात जुड़ानी प्रीत की रीत न जाति बखानी नृप समीप सोहि सुत चारी जनु धन धर्मादिक तनुधारी सुतन समेत दशरथ ही देखी मुदित नगर नर नारी बिसेखी सुमन बरस सुर हनहि निसाना नाक नटी नाचहि कर गाना सतानंद अरु विप्र सचिव गण मागध सूत विदुष बंदी जन सहित बरात राव सन माना आय सुमागे फिरे अगवाना प्रथम बरात लगन ते आई ताते पुर प्रमोद अधिकाई ब्रह्मानंद लोग सब लहही बढ़हुं दिवस निस विधि सन कहही राम सीय शोभावधि सुकृत अवधि दूराज जह तह पुरजन कहही अस मिलि नर नारी समाज। तो पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। तो फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में बहुत सुख समा गया। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीरों से उनसे मिले। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों कुटुंबियों जाति के लोगों याचकों मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। तो श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया और फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात और बड़े हो जाएं और बढ़ जाए बारात के रुकने का समय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुष इकट्ठे हो होकर बस यही गुणगान कर रहे हैं। जनक सुकृत मूरत वैदेही दशरथ सुकृत राम धर देही इन सम काहु न शिव अवराधे काहु न इन समान फल लाधे इन सम को न भयो जग माही है नहीं कतहु होने उनाही हम सब सकल सुकृत के राशि
भये जग जनम जनकपुर वासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस बिसेखी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। कहहि परस्पर कोकिल बयनी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होय हैं दो भाई। बारही बार स्नेह बस, जनक बुलाओ बसीय। लेन आए हैं बंधु दो, कोटि काम कमनीय। विविध भांति होय ही पहुनाए, प्रियन काहे अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होय है सब पुर लोग सुखारी। सख जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहे देख जे आए। कहा एक में आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहि नर नारी। लखन शत्रु सुदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनुपा। मन भाव ही मुख बरन न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहा। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे अहें। पुर नारी सकल पसारे, अंचल विधि बचन सुनावही। ब्याहि अहु चारियो भाई, ही पुर हम सुमंगल गावही। कहहि परस्पर नारी, बारि बिलोचन पुलक तन। सखि सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। तो जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, और न इनके समान किसी ने फल ही पाया। तो इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी बन गए। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा और कौन होगा। जनकपुरी के वासी बहुत खुश हो रहे हैं, अपनी किस्मत पे प्रसन्न है। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। तो जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे, और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। तो सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा
मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक सा रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो तुलसीदास कहते हैं कि कवि और कोविद यानी विद्वान, उन कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र, इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन कह रही हैं, उनसे विनती कह रही हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए और हम सब सुंदर मंगल गीत गाएं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगि उर भरही। जे नृप सिय स्वयंवर आए, देखि बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछ दिन ही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमऋतु अगहन मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। पठै दीन्ह नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, काही ज्योतिषी आहि विधाता। धेनु धूर बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहेहु विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। उपरोहित ही कहेहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। शंख निशान पनव पहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनि गावही गीता, करही वेद धुन विप्र पुनीता। लेन चले सादरे ही भांति, गए जहां जनवास बराती। कोसल पति कर देखे समाजू, अति लघु लागत नहीं सुर राजू। भयउ समउ अब धारे पाऊ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बादि। तो इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं सखियां, और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया। तो श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित थे। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था।
ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। तो जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चल दिए और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज और वैभव उनका देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चल दिए। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरषहि सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान नाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोग सब ही लघु लागे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नार नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। तिन्ही देख सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विधु जियारी। विधि भयउ आचर जो बिसेखी, निज करनी कछुकत हुन देखी। शिव समझाए देव सब, जन आचरज भुलाहू। हृदय विचार धीर धरे, सिय रघुबीर बियाहू। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। करतल हो ही पदारथ चारी, तेसी राम कहे उकामारी। एहि विधि शंभु सुरन समझावा, पुण्य आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग महि देवा, जन तन धरे करही सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनो अप बरग सकल तन धारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोक ही अहर्षे, निपही सराहि सुमन तिन बरषे। राम रूप नक सिख सुभग, बारही बार निहारे। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारे। तो देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं।
शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े हैं और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चल दिए हैं। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिवजी भी यही कहते हैं। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी के मन में बड़े ही प्रसन्न शरीर से पुलकित हुए जा रहे हैं दशरथ जी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। तो मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को बहुत प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने उन्हें उनके ऊपर फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव का शरीर पुलकित तो हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए शरद विमल विधु बदन सुहावन नयन नवल राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहि न जाय मन ही मन भाई बंधु मनोहर सोहहि संगा जात न चावत चपल तुरंगा राजकुंवर बर बाज देखा वही बंस प्रशंसक बिरद सुना वही जेहि तुरंग पर राम बिराजे गति बिलोके खग नायक लाजे कहिन जाए सब भांति सुहावा बाजे बेशु जनु काम बनावा जनु बाजे बेशु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहई आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोहई जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे किं किन ललाम लगाम ललित बिलो के सुर नर मुनि ठगे प्रभु मन सहि लय लीन मनु चलत बाज छवि पाव भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बर हिन चाव। श्री राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का
अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगलमय रूप है और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजे हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमलों को भी लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई है, वह कहीं भी नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत सुख मिल रहा है उन्हें देखकर। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी चाल देखकर तो गरुड़ भी लजा जाए, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से बहुत सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। तो श्री राम जी जिस घोड़े पर विराजमान हैं, उसकी प्रशंसा हो रही है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित ललाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। तो प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोरों को नचा रहा हो। जेहि बर बाजे राम असवारा, तेहि सारदौ न बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठै नयन जानि पछताने। सुर सेन पुर बहुत उछाहू, विदिते देवल लोचन लाहू। राम हिच तव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। देव सकल सुर पति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्षु बिसेखी। अति हर्षु राज समाज दुहु दिसी, दुंदु भी बाजही घनी। बरषहि सुमन सुर हर्षि कही, जय जयति जय रघुकुल मनी। एहि भांति जानि बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुवासिनी बोली परिछनि, हे तो मंगल साजही। सज आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछन करन, गज गामिनी बर नारी। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर वे पछताने लगे। तो देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। और सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। तो सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष हो रहा है।
दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, नगाड़े बज रहे हैं, देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चल दी। विधु बदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छबि रति मृदु मोचनी, पहरे बरन बरन बरचीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा, सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कल कंठी लजाए, कंकन किंकिन नूपुर बाजही, चाली बिलो के काम गज लाजही, बाजही बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची सारदा रमा भवानी, जे सुरतिय सुच सहज सयानी, कपट नार बर बेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, करही गान कल मंगल बानी, हरष विवश सब काहु न जानी, को जान के ही आनंद बस सब, ब्रह्म बर परिछन चली, कल कान मधुर निशान बर सही, सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु मिलो के दूलहु, सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु पुमगि सुअंग पुलकावली छई, जो सुख भासिय मातु मन, देखि राम बरबेशु, सो न स कही कही कलप सत, सहस सारदासेशु। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची यानी इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी में मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। तो अब कौन वैसे किसे पहचाने। आनंद के वश सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन कर रहे थे। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हो रही हैं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया है और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई है। तो श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो कुछ हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी बयान नहीं कर सकते। नयन नीरुहट मंगल जानी, परछन करहि मुदित मन रानी, वेद विहित अरु कुलाचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु, पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करियारती अरघु तिन दीना,
आगमन मंडप तब किन्हा दशरथ सहित समाज विराजे विभव बिलोके लोक पति लाजे समय समय सुर बर सही फूला शांति पढ़ही महसुर अनुकूला नभ अरु नगर कोलाहल होई आपन पर कछु सुनई न कोई एहि विधि राम मंडप ही आए अरघु दे आसन बैठाए बैठारी आसन आरती कर निरख भर सुख पावही मन बसन भूषण भूरि वारही नारी मंगल गावही ब्रह्मादि सुर बर विप्रवेश बनाए कौतुक देखही अब लोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाए मुदित असी सही नाए सिर हर्षुन हृदय समाए। तो मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति पूरे किए। पंच शब्द यानी तंत्री ताल झांझ नगाड़ा और तुरही इन पांच प्रकार के बाजों के शब्द और पंच ध्वनि यानी वेद ध्वनि बंद ध्वनि जय ध्वनि शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। तो नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने यानी रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। तो दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल जी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां बहुत सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। तो नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की न्योछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष दे रहे हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति कर वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादो राज विराजे उपमा खोज खोज कबिलाजे लही न कतहु हार ही अमानी इन समय उपमा और आनी सामद देखी देव अनुरागे सुमन बरश जसुगावन लागे जग बिरंच उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते सकल भात सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आजु देव गिरा सुन सुंदर साची प्रीति अलौकिक दुहद से माची देत पावड़े अरघु सुहाए सादर जनक मंडप ही ल्याए मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पान जनक सुजान सब कहूं आने सिंहासन धरे कुलेष्ट सरस वशिष्ठ पूजे
बिनया करिया आशीष लहे कौसे कही पूजत परम प्रीत के रीत काम न पर कहीं वाम देव आदि कृषय पूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सब ही सब सन लही आशीष। तो सभी वैदिक और लौकिक रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी परस्पर बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे थे। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए तो जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तो हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान तो यही है, कोई और नहीं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत से विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज सामान और बराबरी के पूर्ण समता युक्त संबंधी तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। अब मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। तो विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते नहीं बनती। तो राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्यासन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्ह कौशलपति पूजा जान इस समभाव न दूजा किन्हीं जोर कर विनय बढ़ाई कहन ज भाग्य विभव बहुताई पूजे भूपति सकल बराती समधि सम साधर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कहों काह मुख एक उछाहू सकल बरात जनक सनमानी दान मान बिनती बरबानी विधि हर हर दिस पत दिन राऊ जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ कपट विप्र बर भेष बनाए कौतुक देखहि अति सचु पाए पूजे जनक देव समझाने दिए सुआसन बिनु पहचाने पहचान को केही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलोक दूलहु उभय दिसि आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए अवलोकिसीलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। तो जनक जी ने अब कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश यानी महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं
वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाकर बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। तो जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। अब इस भीड़ में कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समौ बिलो के वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेग को अरे अब आना हो जाए, चले मुदित मुनि आय सुपाई। सुरानी सुने उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। नारी बेश जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। ते नहीं देख सुख पावही नारी, बिनु पहचान प्राण हुते प्यारी। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। सीय सवार समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। चली ल्याई सीत ही सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, तालगत बरबाजहि। सोहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावने सीय। छबि ललनागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। तो समय देखकर अब वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा यानी 16 वर्ष की अवस्था वाली है, और उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पा रही हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। सीता जी का श्रृंगार करके रनवास की स्त्रियां और सखियां मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें अब मंडप में लेवा ले चली। तो सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां सखियां आदर सहित सीता जी को लिए चली जा रही हैं मंडप की ओर। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं, मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजेब पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत दीखे बरातन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता।
सब ही मन ही मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हर्ष दशरथ सुतन समेता, कहे न जाए उर आनंद जेता। सुर प्रणाम कर बर सही फूला, मुनि अशीष धुन मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ही मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दोहो कुल गुरु सब कीन आचारू। आचारू कर गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगट पूजा ले देही, आशीष अति सुख पावही। मधुपरक मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत सब साधर कियो। एहि भांति देव पुजाए सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अब लोकन परस्पर, प्रेम काहु न लखि परे। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कभी कैसे करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि देहि। सीता जी की सुंदरता का तो वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते हुए देखा तो सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित बहुत हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आ गई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। तो कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधु पर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने के परातों और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए हुए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। तो हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां स्वयं बताए देते हैं। जनक पाट महिषि जग जानी, सिय मातु किम जाय बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची बनाई। समऊ जान मुन बरन बुलाई, सुनत सुवासिन सादर ल्याई।
जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना। कनक कलश मन को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़ही वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगि जनु चहु दिसे चली। जे पद सरोज मनोज हरि उर, सर सदैव विराजही। जे सकृत सुमिरत बिमलता मन, सकल कलिमल भाजही। जे परस मुनि बने तालही, गति रही जो पातक मही। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचितावधि सुर बरनई। कर मधुप मन मुनि जोगि जन, जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। बर कुंवर कर तल जोर साखो, चारु दो कुल गुरु करे। भयो पान गहनु बिलोक विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देख दंपति, पुलक तन हुलस्यो ही हो। कर लोक वेद विधान, कन्या दान नृप भूषण कियो। हिमवंत जिम गिर जा महे सहे, हरि श्री सागर दई। तिम जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई। क्यों कर विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी। जय धुन बंदी पेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर्षहि बरषहि विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। तो जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता सुनैना, इनका बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आईं। तो सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों में लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे, प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस
गंगा जी यानी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है गंगा, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौंरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं, यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणि ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। अब जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह यानी जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह कर दिया, यानी वो अपने देह की सुध बुध भूल गए। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावने होने लगी। तो जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कोर कोर कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही, चाय न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहां सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मन खंभन माही, मनहु मदन रत धर बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। दरस लाल सास कुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान पान बिसारे। प्रमुदित मुनन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कहे न जाति विधि के ही। अरुण पराग जलज भरिनी के, ससही भूष असि लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीनि अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जनक, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देख अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भर भुवन रहा उछाहु राम, विबाहु भा सब ही कहा। केहि भाति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारि के। मांडवी सुत कीरति उर मिला, कुंवरी लई हकारि के। कुस के तु कन्या प्रथम जोगुन, सील सुख शोभा मई। सब रीति प्रीति समेत कर सो, ब्याहि नृप भरत ही दई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानके, सुतनय दीनि ब्याहि लख नहीं, सकल विधि सन मानिके। जेहि नाम श्रुत कीरत सुलोचन, सुमुख सब गुण आगरी। सुदहि रिपुसूदन हि भूपति, रूप सील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिन परस्पर, लख सकुच ही हर्षही। सब मुदित सुंदरता सराहि,
सुमन सुरगन बर सही सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही जन जीव पुर चारियो अवस्था विभुन सहित विराजही मुदित वधपति सकल सुत बधुन समेत निहारे जनु पाए महिपाल मनि क्रियन सहित फल चारे। तो वर और कन्या अब सुंदर भावने दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख रहे हैं, नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कही जाए वो थोड़ी है। तो श्री राम जी और सीता जी सुंदर, उनके सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। तो उन दोनों की, कामदेव और रति की, जो दर्शन की लालसा है और संकोच है, दोनों ही कम नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए हैं। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावने फिरवाई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। अब श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं और यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। फिर भी देखिए कवि की कल्पना कहां पहुंची है, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। तो यहाँ पे श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, और श्री रामचंद्र जी की श्याम भुजा को सांप की, और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। तो फिर उसके बाद वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह अब संपन्न हो गया, जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला भेजा। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उन कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। तो दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, यानी ये चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो गई हैं। तो सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो कि वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, इन चारों क्रियाओं सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त कर गए हो। जैसे रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। कहिन जाए कछु दाए जो भूरी, रहा कनक मनि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोलन थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी।
बस तू अनेक करिए कि मिलेखा कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने दीन जाचकन जो जहि भावा उबरा सो जनवा से ही आवा तब कर जोर जनक मृदु बानी बोले सब बरात सनमानी सनमान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के सिर नाए देव मनाए सब सन कहत कर संपुट के सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कोसल राय सो बोले मनोहर बयन सानी स्नेह शील सुभाय सो संबंध राजन राम रे हम बड़े अब सब विधि भये एहि राज साज समेत सेवक जाने बे बिनु गत लए हे दारिका परिचारिका कर पाल भी करुणा नई अपराध क्षमि बो बोले पठय बहुत होंढी ट्यो कई पुन भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि के कही जाते नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही बृंदार कागन सुमन पर सही राव जनवासी चले दुंदु भी जय धुनि बेद धुनि नब नगर को तूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनि साय सुपाई के दूलह दुल्हन सहित सुंदरी चली कहो पर ल्याई के पुन पुन राम ही चितवसिय सकुचत मन सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। तो श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। भेंट की दहेज की अधिकता बहुत कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल वस्त्र भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े बहुमूल्य कपड़े हाथी रथ घोड़े दास दासियां गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है बस वही जानते हैं उसे। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख पाकर सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगे दे दिया। तो जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा की एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। तो क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले
बोले हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बहुत बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए ही सेवक ही समझिएगा। तो इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके इनकी पालना कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया उनका कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा अब जनवासे को चल दिए। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लेवाकर कोहबर को चल दी। तो सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को भी मात कर रहे हैं। इस प्रकार सीता राम का विवाह संपन्न हो गया है। जय श्री राम। तो अब पुनः एक बार विश्राम लेंगे हम यहाँ पर इस 326वें दोहे के साथ। बालकांड के यह 11वां मास पारायण विश्राम है। आशा है आपको आनंद आ रहा होगा इस यात्रा में। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक, और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को इस यात्रा में जोड़ने का प्रयास कीजिए। नमस्कार। जय श्री राम। जय भारत।